नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। एक राष्ट्र के तौर पर भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1947 से एक साथ शुरुआत की थी, लेकिन आजादी मिलने के 73 वर्षों बाद दोनों देशों के चरित्र का अंतर ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है तो भारत दवाइयों की फैक्ट्री है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहा है तो भारत कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, सीमा पर गोलाबारी और आतंकवाद से भारत को जख्मी करने वाले पाकिस्तान को दवाइयां भी भारत से ही चाहिए। अब तक भारत की दवाइयों पर आंशिक रोक लगाने वाली पाकिस्तान सरकार ने अब भारत से दवाइयों के आयात की पूरी अनुमति दे दी है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष अगस्त में भारत ने जब अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था, तब पाकिस्तान सरकार ने बौखलाकर भारत से व्यापार बंद करने का फैसला किया था। लेकिन पाकिस्तान के इस प्रतिबंध का वहां की दवा कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान की दवा कंपनियां लगातार भारत से करीब 450 अलग अलग दवाइयां आयात कर रही थी। जब पाकिस्तान में ये बात सामने आई तो वहां की सरकार ने भारत से आने वाली दवाइयों के आयात की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान सरकार ने भारत की दवाइयों के आयात पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया। पाकिस्तान सरकार का ये फैसला बताता है कि पाकिस्तान का काम भारत की दवाइयों के बिना नहीं चल सकता। पिछले वर्ष पाकिस्तान ने भारत से लगभग 380 करोड़ रुपए की दवाइयां आयात की और पाकिस्तान की दवा कंपनियां अपना ज्यादातर कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भारत से ही मंगवाती है। वैसे पाकिस्तान के आतंकवाद के बाद भी भारत ने कभी पाकिस्तान को दवाइयों की जरूरी मदद पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पाकिस्तान को लगातार दवाइयां भेजी गई और वहां के नागरिकों को भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा भी दिया गया। लेकिन पाकिस्तान का चरित्र आतंक का चरित्र है। इस समय दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस से लड़ने के उपकरण बनाने में जुटे हैं, वायरस पर रिसर्च करने में जुटे हैं, लेकिन पाकिस्तान का फोकस इस बात पर है कि कैसे आतंकवादी संगठनों का मेकओवर करके उन्हें नए नाम से उतारा जाए, किस तरह से भारतीय सीमा पर गोलाबारी की जाए, कैसे आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। इससे पहले खबर सामने आई थी कि कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान की सेना अपनी सैलरी बढ़वाने में लगी है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, अपने कर्ज माफ कर देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपनी सैलरी बढ़वाने में जुटी है। पाकिस्तानी सेना ने वहां की सरकार से 6,367 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के जवानों की सैलरी 20% बढ़ाई जा सके। सैलरी बढ़ाने की मांग पर पाकिस्तानी सेना ने जो दलीलें दी हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में रुपए की कीमत इतनी गिर गई है कि सैनिकों को मिल रहा वेतन बहुत कम साबित हो रहा है। इसके अलावा देश में महंगाई इतनी ज्यादा है कि खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की मांग है कि सरकार ने ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारियों का वेतन 5% और सैनिकों का वेतन 10% बढ़ाने का जो वादा किया था, वो वादा पूरा किया जाना चाहिए। एक तरफ कोरोना संकट के इस दौर में पाकिस्तान की जनता के पास पेट भरने तक के पैसे नहीं है और पाकिस्तानी सेना को अपनी जेबें भरने की सूझ रही है, और इसकी वजह ये बता रहे हैं कि सैनिक मौजूदा वेतन में अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि भारतीय सीमा पर गोलियां चलाने के अलावा पाकिस्तानी सेना अपने देश में और भी बहुत कुछ चलाती है। वर्ष 2016 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइवेट बिजनेस सेक्टर में सेना की 100 अरब डॉलर यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हिस्सेदारी है। पाकिस्तानी सेना के कमर्शियल विंग शाहीन फाउंडेशन के पास 20 अरब डॉलर यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आवासीय संपत्ति है। पाकिस्तान में सेना बैंकिंग, फूड, रिटेल, सुपर स्टोर, सीमेंट, रियल एस्टेट, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस से लेकर बीमा कंपनियां तक चलाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अब ऑयल बिजनेस में भी उतर रही है, और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना के व्यापार का पाकिस्तान के रक्षा बजट से भी कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना पैसों की कमी का रोना रो रही है।
आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।